hello everyone welcome to the channel ms study for cbsc pattern this is aloni and we are learning maths in today's video i am going to start chapter 10 practical geometry 10.5 exercise question number 2 so question is construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long and one of the leg is 4 centimeter long तो यहाँ पर आपको एक सें हाइपोटनेस की लेंदी हुई है और दो में से सा, दो साइड में से एक साइड की लें दी हुई है और राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपको बताया है तो क्योंकि यहाँ पर आपको ट्राइंगल का नेम नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे ट्राइंगल का नेम डी ई एफ रख ले रहे हैं ठीक है ट्राइंगल डी ई एफ ओके और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ई है ई पॉइंट यहाँ पर आपका राइट ट्राइंगल है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट वन इज़ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ई एफ फोर सेंटीमीटर तो आपको क्या करना है कम स्केल लेना है और स्केल से आपको ज़ीरो पे पहले मार्क करना है और फिर फोर पर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसे नेम दे दीजिए ई एफ फोर सेंटीमीटर देन नेक्स्ट स्टेप है आपका एट पॉइंट ई ड्रॉ ई एक्स पेंडिकुलर ई एफ तो पेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको ई e पर नाइन्टी डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा तो so, इस तरीके से आप प्रोटेक्टर को एडजस्ट कीजिए लाइन पर और नाइन्टी डिग्री पे मार्क कर दीजिए और एक स्ट्रेट लाइन इसे फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन है ओके okay? और इसको नेम दे देना है आपको एक्स और यहाँ पर है आपका 90 डिग्री एंगल तो नेक्स्ट क्या है आपका टेकिंग एफ एस सेंटर एंड रेडियस सिक्स सेंटीमीटर ड्रॉ एंड आर्क अब आपको क्या करना है अपना कंपास लेना है स्केल लेना है और आपके कंपास को सिक्स सेंटीमीटर ओपन करना है तो आप कंपास का पॉइंट सिक्स पे रखिए और पेंसिल का पॉइंट एडजस्ट करते हुए जीरो पर ले जाइए सिक्स सेंटीमीटर हो गया अब आपको कंपास का पॉइंट एफ पर रखना है और जो ई एफ आपकी लाइन है उसको ये जो आर्क है वो कट करेगा तो ये जो पॉइंट है आपका वो पॉइंट आ गया है डी ठीक है डी पॉइंट आपको मिल गया है ना जॉइन डी एफ डी एफ को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास डी ई एफ ट्राइंगल आ जाएगा जो कि आपका कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड ट्रैंगल है ठीक है इसकी लेंथ भी लिख दीजिए आप सिक्स सेंटीमीटर सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राएंगल डी ई एफ विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इन क्वेश्चन नंबर टू सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर